नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप श्रीवास्तव है और हम लोग दोस्तों हैं सोशल स्पायर चैनल पे। इस चैनल पे दोस्तों हम रेल की जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों कुछ मित्रों ने हमसे एक सवाल किया है कि भारतीय रेलवे हमेशा लेट क्यों होती है, यहाँ पे कुछ VIPs ट्रेनों को अगर छोड़ दिया जाए तो मोर देन 90% ट्रेनें ऐसी हैं जो हमेशा लेट रहती हैं, चाहे वो 5 मिनट लेट हो, चाहे 10 मिनट लेट हो, चाहे 2 घंटे लेट हो, लेकिन लेट जरूर रहती हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि ये लेट रहती हैं, ये लेट कभी ख़त्म नहीं हो पाता है? तो दोस्तों इसके 10 प्रमुख कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रेनों को लेट होने में जो 10 कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण है कि भारत की जो रेलवे प्रणाली सिस्टम है वो बहुत बड़ी है। वो इतनी बड़ी है कि अगर हम इसे मेंटेन करने चलें तो 3 से 4 दिन के अंदर हमें हमेशा मेंटेन करना होगा, यानी हर ट्रैक को 3 से 4 दिनों के अंदर मेंटेन करना होगा, और कुछ ट्रैक तो इतने बिजी हैं कि उन्हें 24 घंटे के अंदर मेंटेन करना होगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस वजह से ट्रेनों को लेट करना पड़ता है। दूसरा दोस्तों, ट्रेन की जो लिमिट होती है वो तय होता है कई तरह के वेदर्स पे, और हमारे देश की सबसे अच्छी बात यह है कि हम 5 तरह के मौसमों को यहाँ वो देखते हैं। जैसे कुछ देशों में एक ही या 2 प्रकार के मौसम होते हैं या 3 प्रकार के मौसम होते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनों को उस कंडीशन के हिसाब से बना दिया जाता है, ट्रैक्स बना दिए जाते हैं, सिग्नल बना दिए जाते हैं, तो वो ट्रेनें उस हिसाब से चलती रहती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मौसमों का आना जाना होता रहता है, तो ये बदलाव जो होता है वो भी लेट करता है। जैसे रेन है, धुंध, आप देखते होंगे सर्दियों के समय धुंध हो जाने से, कोहरा हो जाने से ट्रेन लेट होती हैं। कई बार ट्रैक में कुछ खराबी आती है तो उसे भी ठीक करने के लिए ट्रेन को लेट करना पड़ता है, और ये लेट होना एक तरह से कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि हम अपने माल और अपने जन की, यानी कि भारत की जनता की और सामानों की सुरक्षा करना चाहते हैं, और ये इंश्योर होना चाहते हैं कि लेट हो जाए लेकिन हम लेट तो हो जाए लेकिन किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो इस वजह से भी दोस्तों ट्रेन लेट होने का एक कारण है। दूसरा है दोस्तों, हमारी जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, 10 साल पुरानी है, इसलिए ये ट्रेन को लेट होने की एक बड़ी वजह होती है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ हाई हो जाए तो ट्रेन लेट होने की समस्या कम हो जाए। चौथा दोस्तों, हम त्योहारों के समय हमारे यहाँ की जो माइग्रेशन होता है वो रेट बढ़ जाता है, यानी जैसे ही त्यौहार आते हैं लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एक जगह से दूसरा जाने की कि हम उतनी ट्रेनों को संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनें सब बाद में ख़राब हो जाएंगी, मतलब रखी रहेंगी। ऐसे में दोस्तों ज़्यादा ट्रेनें न चलाने की वजह से फेस्टिवल सीजन में भी ट्रेनों के लेट होने की एक वजह है। हम नए नए कुछ घोषणाएँ तो कर देते हैं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेन का पूरा जो नेटवर्क है उसे हम सुधार नहीं पाते हैं फंड की कमी की वजह से। इस वजह से भी दोस्तों ट्रेन लेट होती है। यूपी और बिहार में दोस्तों ट्रेनों के लेट होने की सबसे बड़ी वजह होती है कि यहाँ पे चैन पुलिंग की जाती है, बहुत भयंकर मिसयूज़ किया जाता है जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती हैं। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन के समय ट्रेन की पटरियां उखाड़ जाती हैं या ट्रेन के आगे जो है प्रोटेक्टर लेट जाते हैं, ऐसे में भी ट्रेन लेट होने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। हमारे यहाँ ट्रेन जो कुछ पटरियों पे सिंगल लाइन पे दौड़ती है, सिंगल लाइन पे काफ़ी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच ट्रेनों को रोका जाता है, उन्हें सेफ्टी प्रदान की जाती है, सिग्नल दिया जाता है, इस वजह से भी ट्रेन लेट होती है। दोस्तों हमारे यहाँ नई नई ट्रेनों की तो बजट में घोषणा कर दी जाती है लेकिन उनका चलाव कैसे होगा, उनका संचालन कैसे होगा, इसको लेके किसी तरह का वो नहीं होता, सिस्टम नहीं बनाया जाता है, और पूरा का पूरा दोस्तों ये पॉलिटिकल प्रेशर बनता है जिस वजह से ट्रेनें ज़्यादा होने लगती हैं और ट्रेन भी हमारे यहाँ लेट होती है। कई बार दोस्तों आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, हम लोग मालगाड़ियों को पहले छोड़ देते हैं जबकि कुछ ट्रेनों को रोक देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कुछ माल अगर समय पर नहीं पहुँचते हैं तो नुकसान कर जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं, तो ये भी ट्रेन के लेट होने की एक वजह है दोस्तों।